नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला में आपदा प्रभावित परिवारों से मिली प्रियंका, बोली हर संभव मदद करे केंद्र सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार सुबह 9 बजे शिमला शहर के आपदा प्रभावित वार्डों का दौरा करने पहुंची। प्रियंका ने समरहिल के शिव बावड़ी क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा। प्रियंका ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, प्रदेश में ये ना देखा जाए कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, केंद्र को संभव मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। समरहिल के शिव बावड़ी क्षेत्र में 21 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। निगुलसरी में एनएच 5वें दिन भी बंद। किन्नौर में पेट्रोल डीजल जरूरी सामान की हुई किल्लत। किन्नौर जिले के निगुलसरी में एनएच 5 दिन बाद भी बहाल नहीं हो सका। किन्नौर में डीजल पेट्रोल का संकट हो गया है, कुछ जरूरी सामान की भी किल्लत हो गई है। जिला प्रशासन ने वाहनों में तेल भरवाने की मात्रा तय कर दी है। किन्नौर के सहायक आयुक्त संजीव कुमार भोज ने बताया कि किन्नौर जिले में पेट्रोल और डीजल के 2 टैंकर पहुंचे हैं। पेट्रोल और डीजल के लिए जिला प्रशासन ने कुछ पाबंदियां लगाई है। कार के लिए 5 लीटर, मोटरसाइकिल के लिए 2 लीटर, ट्रक के लिए 80 लीटर, जीप के लिए 10 लीटर और स्कूल बस को 10 लीटर तेल उपलब्ध करवाने के फरमान जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री के आदेश पर पर्यटकों के वाहनों और सेव मटर से लदे वाहनों को उपयुक्त तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है। एनएच बहाली में पहाड़ी से गिर रहे पत्थर बाधा बन रहे हैं, हालांकि मार्ग बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। देसी खाद का कमाल, दंपति हो गया मालामाल, ऐसी लौ जुलाई की लाखों में होने लगी कमाई। मुख्यालय हमीरपुर से सटे अणु गांव में शिक्षक दंपति ने शिक्षक के साथ साथ अपने गांव में आधुनिक खेती की लौ जुलाई है। गन्ने की खेती से महज 15 से 20 हजार की लागत और देसी खाद का इस्तेमाल कर रहे ये परिवार हर साल लाखों की कमाई कर रहा है। एक कनाल में गन्ने की बिजाई की लागत महज 1500 रुपए है, जबकि इसकी फसल 5 साल तक काट हर साल 50 हजार से अधिक की कमाई की जा सकती है। इस फॉर्मूले को अपनाकर पारंपरिक खेती को छोड़ ग्रामीणों के लिए ये मेहनत कश शिक्षक दंपति एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। इस दंपति ने आधुनिक तरीके से खेती की एक नई बल्कि कई सफल प्रयोग किए हैं। महज खेती नहीं, इस दंपति ने पशुपालन के लिए भी कई परिवारों को प्रेरित किया है। यही वजह है कि आज अणु गांव में लगभग हर घर में गाय देखने को मिल रही है। पिछले 7 साल से गन्ने की खेती कर रहे इस दंपति ने एक दफा फसल की बिजाई कर अब तक लाखों की कमाई कर ली है। बांग्लादेश की टीम 4 न्यूजीलैंड की 7 दिन तक करेगी अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अभ्यास करने के लिए बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम को ज्यादा समय मिलेगा। ये दोनों टीमें 2 से 3 दिन पहले धर्मशाला पहुंच जाएंगी। न्यूजीलैंड की टीम एक मैच खेलने के बाद दूसरे मैच के लिए धर्मशाला में ही रुकेगी। जानकारी के मुताबिक धर्मशाला में 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ विश्व कप के पहले मैच के लिए बांग्लादेश की टीम 4 अक्टूबर को यहां पहुंचेंगे। अफगानिस्तान की टीम 5 अक्टूबर को पहुंचेगी। बांग्लादेश की टीम 5 और 6 अक्टूबर को स्टेडियम में अभ्यास करेगी, 7 को मैच खेलेगी। उसके बाद बांग्लादेश का मैच 10 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ होगा। ऐसे में बांग्लादेश के पास 8-9 को भी अभ्यास करने का मौका है। अन्य टीमें मैच से 2 दिन पहले धर्मशाला पहुंचेंगी और 1 दिन ही मैच से पहले अभ्यास करेगी। 22 अक्टूबर भारत के साथ होने वाले मैच के लिए न्यूजीलैंड की 19 अक्टूबर को पहुंचेगी। सिम को 5G करवाने का मैसेज आए तो सतर्क हो जाए, साइबर अपराधियों ने खोजा ठगी का नया तरीका। इन दिनों साइबर अपराधी लोगों को सिम अपग्रेड के नाम पर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। साइबर ठग सिम को 5G में अपग्रेड करने का मैसेज भेजकर लोगों से OTP और पिन पासवर्ड मांग रहे हैं। ताजा मामला राजधानी से सटे धामी क्षेत्र का है। यहाँ पर एक मोबाइल रिटेलर और 4 लोगों को इस तरह के मैसेज आए। ठगों ने OTP और पिन पासवर्ड मांगा, हालांकि जागरूकता के चलते ये सभी ठगों के झांसे में नहीं आए। दूरसंचार कंपनियों ने भी लोगों से सावधान रहने की हिदायत दी है। साइबर ठग आए दिन ठगी के नए नए तरीके इजाद करने में लगे हैं। दरअसल हिमाचल में 5G मोबाइल सर्विस शुरू होने के बाद से ही ठगों ने 5G सर्विस का झांसा देकर लोगों को ठग रहे हैं। मोबाइल उपभोक्ता साइबर ठगों की ओर से भेजे लिंक को जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, मोबाइल पर OTP आता है और OTP डालते ही मोबाइल हैक हो जाता है। ज्वाली के भाली में पलटा, लकड़ी से भरा ट्रक गुजरात से सामान लेकर आ रहा था कांगड़ा।
पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भाली के समीप मोड़ पर लकड़ी से भरा ट्रक पलट गया, लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार ट्रक गुजरात से लकड़ी लेकर कांगड़ा की ओर जा रहा था कि भाली में तीखे मोड़ पर आवारा पशु के आ जाने से ब्रेक लगाने पर ट्रक बैक हो गया तथा पलट गया। वहीं हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़क में ट्रक के गिरने से ट्रैफिक वन वे कर दी गई है। बड़े बड़े मालवाहक ट्रकों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। बुद्धिजीवी वर्ग ने बताया कि प्रतिदिन बेसहारा पशुओं से कोई ना कोई हादसा देखने को मिलता है। सिरमौर में अदरक की खेती करने वाले किसानों के लिए यह है बेहतर साल। दो दशकों बाद मिला अच्छा दाम। करीब दो दशकों के बाद जिला सिरमौर के किसानों को अदरक की फसल का इस वर्ष अच्छा दाम मिल रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अदरक का उत्पादक जिला सिरमौर में होता है। इसके बाद वैसे तो अदरक की खुदाई पितृपक्ष श्राद्ध में होती है, मगर इस बार एक माह पहले ही जिला सिरमौर के किसानों ने अदरक की खुदाई शुरू कर दी है। इन दिनों जिला सिरमौर के पच्छाद, संगड़हा, शिलाई, नारक, मानगढ़, राजगढ़ और नोहराधार क्षेत्र में अदरक के किसानों को अदरक के अच्छे दाम मिल रहे हैं। ये कंपनी भरेगी सिक्योरिटी गार्ड के 100 पद। पांगी में कैंपस इंटरव्यू 20-21 सितंबर को। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों को भरने के लिए उपरोजगार कार्यालय पांगी में 20 व 21 सितंबर को परिसर साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं और इससे अधिक उत्तीर्ण होनी चाहिए और आयु सीमा 21 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदक साक्षात्कार के लिए शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, रोजगार कराली का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा आदि दस्तावेज लेकर निर्धारित स्थान पर सुबह 10:30 बजे पहुंच जाए। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय चंबा में भी संपर्क कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए परिवारों के लिए सरकार ने की आवास किराए की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए परिवारों को उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें आवास का निश्चित मासिक किराया उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थायी तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए 5,000 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को 10,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत आवास की राशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी जो 12 सितंबर तक जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे हों। राज्य में डेंगू के नए मामले आए सामने। 98 सैंपल में से 44 पाए गए पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 98 लोगों के डेंगू सैंपल लिए गए जिनमें से 44 डेंगू संक्रमित पाए गए हैं। स्क्रैप टाइफस के 85 सैंपल लिए गए जिनमें से 30 संक्रमित निकले हैं। राज्य के निचले क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं मामले। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के निचले क्षेत्रों में डेंगू स्क्रैप टाइफस के मामले लगातार आ रहे हैं और संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए रोजाना मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं।